के बागेश्वर महाराज को एक नई चुनौती दी गई है। बागेश्वर महाराज के चमत्कार को नया चैलेंज मिला और चमत्कार को साबित करने पर 1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया गया है। और इस चैलेंज में कहा गया है कि अगर बाबा अपना चमत्कार साबित कर देते हैं तो उन्हें 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा, नहीं तो बाबा तो 11 लाख रुपए देने होंगे। तो बाबा तो मिला, ये नया चैलेंज बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस चैलेंज में जीतने पर भी इनाम की रकम ऐलान कर दिया गया है और हारने पर भी एक खास रकम देने की अपील की गई है। होली के मौके पर बाबा को जब ये चैलेंज मिला, ये चुनौती दी गई, तो वो अपने समर्थकों के बीच होली के कार्यक्रम में व्यस्त थे, जहाँ छिंदवाड़ा के एक डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा के चमत्कार को ये बड़ी चुनौती दी। उस वक्त बाबा बागेश्वर होली कार्यक्रम में व्यस्त थे और बाबा ने इस नए चैलेंज को कैसे लिया है, कैसे एक्सेप्ट किया है, वो आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं, हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है। तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। जो हमें प्रेरणा लगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा, हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। नए चैलेंज में घिरे बागेश्वर महाराज। दुनिया कोई व्यक्ति हूबहू सेम बता देता है 1 करोड़। बागेश्वर बाबा की फिर कटेगी पर्ची। ब्रांड में समस्या बताई है, पूर्णतया लाभ होगा, डॉक्टरी सलाह के साथ चलना है, मंत्र चिकित्सा से आराम लग जाएगा, स्वास्थ्य में आशीर्वाद है। चमत्कार पर 1 करोड़ का चैलेंज। बागेश्वर महाराज की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां होली के रंग में बागेश्वर बाबा और उनके भक्त सराबोर दिखे। भक्ति के माहौल में होली का रंग ऐसा रंगा कि लोग बागेश्वर महाराज के साथ झूमते दिखे। मैं YouTube चैनल से जुड़ी थी और अर्जी लगाने आई थी पहली बार धाम पे, और दूसरी बार जब टोकन डले तो मेरी अर्जी स्वीकार हो गई, मेरा नंबर आ गया और मेरी पर्चा बन गया। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, इतना मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ गुरुजी के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। होली के मौके को बागेश्वर महाराज ने खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाबा ने ये कहकर नया सस्पेंस छेड़ दिया कि इस बार की होली महज शुरुआत भर है। बागेश्वर महाराज का दावा है कि अगले साल की जो होली होगी वो ऐतिहासिक सनातनियों के लिए यादगार होली होगी। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर महाराज के बोल नए नहीं हैं, लेकिन ये पहली बार है जब बागेश्वर महाराज ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई डेडलाइन दी है। अगले वर्ष इससे भव्य और दिव्य होगी, हिंदू राष्ट्र की होली होगी। लगता है आपको कि हो जाएगा आपका जो सपना है? होगा, अब वो तो हो ही चुका है, बाणी से निकल गया सो हो चुका है, अब बस हिंदुओं की बारी है। हम तो अपने पथ पर लगे हैं, कार्य पर लगे हैं, अब हिंदुओं का काम है सनातनी हिंदू ऐसा करें ताकि बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की होली और खिल जाए। बागेश्वर महाराज पहले अपने कथित चमत्कार को लेकर फेमस हुए, ऐसी मशहूर हुए कि पाकिस्तान तक उनके चर्चा होने लगी, लेकिन बागेश्वर महाराज की उसी पर्ची वाले चमत्कार को लेकर चैलेंज का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। बाबा की पर्ची को 1 करोड़ का चैलेंज, चमत्कार को साबित करने की चुनौती। ये छिंदवाड़ा में रहने वाले आयुर्वेद के डॉक्टर प्रकाश टाटा है। डॉक्टर प्रकाश टाटा ने बागेश्वर महाराज की पर्ची वाले चमत्कार को चैलेंज करते हुए क्या कहा, पहले वो सुनिए। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनका ही लिए हमें चैलेंज किया पूरे भारत के अंदर कोई भी धर्म का हो,
धीरेन्द्र शास्त्री को, कोई भी धर्म का, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा, जो भी जितने पर्ची वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी। बागेश्वर महाराज को चैलेंज करते हुए डॉक्टर प्रकाश टाटा ने पूरे 1 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। मतलब ये कि अगर बागेश्वर महाराज इनकी पर्ची में लिखी बात बता दें तो ये इनाम के तौर पर 1 करोड़ देने को तैयार है। दुनिया कोई व्यक्ति हूबहू सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए। अभी संस्था ने 1 करोड़ किया है, क्या बोल दो, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन 1 करोड़ का चैलेंज दिया। कोई भी दुनिया में, दुनिया की बात कर रहे ना, फिलहाल बागेश्वर महाराज की ओर से 1 करोड़ के इस चैलेंज को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इस नए चैलेंज को लेकर बागेश्वर धाम में चर्चा शुरू हो गई है और हर किसी को अब इंतजार इस नए चैलेंज पर बाबा के बयान का है।